से मसाला भी अच्छी तरह से बुनाई हो चुका था और मैंने आलू भी डाल दिए थे, अब सेवियाँ भी मैंने डाल दी हैं। अब इसको थोड़ा सा यानी भून तो मैंने भून तो लिया अच्छी तरीके से, अब जो है बस इसके अंदर पानी ऐड करने लगी हूँ, साथ ही जल्दी से इसको जो है खत्ता लगवा लूँगी। बस इतना डालूंगी ना कि सेवियाँ बस जैसे चावल बनते हैं ना खड़े खड़े, इस तरह बनाऊँगी मैं। तो बच्चे आराम से खा लेंगे दोपहर का खाना, फिर बेटी है उसको मैं छोड़ कर आऊँगी, उसकी पप्पो ने बुलाया है तो इसलिए ये मैं बना रही हूँ। पानी डाल दीजिए पहले, बस पानी इतना डालती है ना कि बस इसी में ही ये पक जाएंगे आराम से। चलें बस बाकी का जो ब्लॉक होगा फैन बाकी से चारा वगैरह डाल दिया और माशाल्लाह से खाने लग रही है। और माशाल्लाह से हवा देखें कितनी माशाल्लाह ठंडी ठंडी हवा चलने लग रही है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा मौसम, प्यारा मौसम हो चुका है। और विलेज में दोबारा से फिर बादल आ गए हैं, वहाँ पे शौकत भाई ने अपनी सवारी को वहाँ बांध दिया है। कभी ना कभी तो बेचारी तैयार हो जाएगी जब शौकत भाई इस पर यानी कि सामान वगैरह लोड करके लेके जाएंगे, वो दिन पता नहीं कब आएगा। हाँ अभी तो है ही बच्ची बेचारी, घास अपने मुकद्दर खा रही, घास खा रही है बस, और क्या खाती है ये बेचारा, ये घास लगा हुआ है हरा हरा घास। जैसे बारिशें लगी है माशाल्लाह दोबारा से घास ने दोबारा से यानी कि भाई फूट गया दोबारा से, रैली हो गई। हाँ जी, गाय भी चली गई और घास भी फूटने लग गया, सही। उसके बदले की दूसरी गाय है, वो गाय माशाल्लाह ऐसी है उसे छोड़ते हैं तो वो पत्थर खाती है, उसे शायद पत्थर अच्छे लगते हैं, मिट्टी खाती होगी ना। हाँ जी, ऐसे ये मोटे मोटे पत्थर नहीं है ये वाले खाती है, ऐसे दांतों में से फिर उसकी आवाज़ आती है। मैंने कहा जब खाएगी तो बीमार हो जाएगी ये, इसीलिए फिर इसे हम ज़्यादा छोड़ते नहीं इधर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप यहाँ पे छोड़ा हुआ था ना, तो क्या जिक्र कर रहे थे तो मोबाइल बंद हो गया दोबारा से, फिर मैंने कैमरा स्टार्ट कर लिया। तो और शौकत भाई आप सुना, तबियत ठीक है आपकी? खाना वगैरह माशा दवाई लेके आए ना? अच्छा, उससे बड़ा फर्क, चलो शुक्र है शुक्र है। दवाई चेंज करने से भी फर्क पड़ जाता है। मैं आप देखा एलर्जी की खा रही थी, कितना मुझे एलर्जी थी जी, का नाम नहीं ले रही थी। हाँ जी, तो वो डॉक्टर निशाना के पास गई, वो कहते हैं सिविल अस्पताल गई थी, वो कहते हैं आपको ना एलर्जी लग गई है। अच्छा, तो खाने पीने वाली नहीं है, मैंने कहा मैं ये खाती हूँ अंडा ये चावल वगैरह, उसके उससे कोई मतलब वो नहीं है। अच्छा, फिर उन्होंने दवाई अपनी क्लिनिक की भी दी अपनी, तो बाहर की भी लोशन, वो मुझे लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, वो तो सील बंद पड़ा हुआ। अच्छा, तो माशाल्लाह एलर्जी है ही नहीं, मुझे खारिश है। चलो कल का ना फिर इंशाल्लाह, आज तो बस इतवार है, कल को फिर सोमवार है, तो सर वो भी नहीं पता लगा। अच्छा, कल को फिर इंशाल्लाह सना को भी दवाई लेनी है और मैंने अपने चेहरे की भी दवाई लेनी है। चेहरे की तो यहाँ से मिल जाएंगी, जल्दी वाला डॉक्टर वहाँ पे होगा ना भाई? होगा, बड़ा अस्पताल है ना, आपको पता है सबसे बड़े काबिल से काबिल डॉक्टर उधर ही आते हैं, क्योंकि वो है ही बड़ा अस्पताल। तो कल को इंशाल्लाह फिर घर का काम वगैरह करके इंशाल्लाह फिर ना कल चलेंगे इंशाल्लाह। अगर आपकी भाई तबीयत ठीक हो तो आप चल लेना, अगर नहीं होगी तो फिर मुनीब और कोई असिस्टेंट हम दोनों चले जाएंगे, सही है ना? पापा लेने, अच्छा अच्छा अच्छा, वो लेके जाना। अच्छा चढ़ाएंगे बस। अच्छा अच्छा, चलो अल्लाह खैर करे, कल का दिन तो है इंशाल्लाह। जो जो हाँ जी हाँ जी, सही। और कितनी प्यारी आवाज आ रही है यहाँ पे, मुझे लग रहा नात महफिल हो रही है शायद। हाँ, आवाज आ रही है मस्जिद में हो रही है। हाँ जी माशाल्लाह, बड़ा सुकून मिल रहा है। हाँ बिल्कुल भाई जैसी आवाज है, क्या बात है भाई, पढ़ रहा हूँ। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह जी। खाना वगैरह भी माशाल्लाह दोपहर का हो चुका है और मैंने चने जी जी इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह जी, नमाज वगैरह पढ़ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी हाँ जी, परसों इंशाल्लाह अल्लाह खैर। हाँ जी, वैसे भी जब नमाज पढ़ते हैं तो सबको, दादा अब्बू को नाना अब्बू को सबको बख्शाते हैं, भाई मोहम्मद अली को, जो जो यानी कि भाई दुनिया से चले जाते हैं। हाँ जी, आमीन आमीन सुमा में, आमीन 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 सुमा में, सही आमीन आमीन। अपनी बेटी की तैयारी करने लग रही हैं और जाने लग रही है पप्पो के घर वापसी, क्योंकि छुट्टियां थी, छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, तो कॉल आई अभी मेरी बेटी को, मेरे पास पहुँचा दो। अच्छा, मैं अलिंदा से पूछ रही, मैंने कहा आपको जाने को दिल कर रहा, कह रहे नहीं काला दिल नहीं कर रहा। मैंने कहा नहीं बेटा, बाबू ने जाना है, आपने खुद ही फोन करके कहा था पप्पो, नहीं आज। मैंने कहा
अच्छी बात है ना, चलो कुरान पाक पढ़ लिया माशाल्लाह, पढ़ जाएगी चलो कुछ बच्ची तालीम सीख लेगी, अच्छी बात है अल्लाह पाक ने कामयाब करा। तो करें ना शौकत भाई भी यहाँ पे आ गए हैं, तैयारी कर रहे हैं जाने की, तो वापसी फिर आ जाओगे ना? अच्छा शायद रात में रहोगे सबक। हाँ अपना घर वैसे ही बाजी घर आपको पता पक्का घर है, हमें तो भैया आपको पता है खुले माहौल में रहने की आदत पड़ी है। सही बात है, हम वो आमना के घर नहीं रही, मैं उधर नहीं रही। सही है, सर्दी में तो बंदा एडजस्ट कर लेता, गर्मी में कहां, गर्मी में नहीं, गर्मी में वैसे बंदा पागल हो जाता है। सही बात है। अब धूमे की बैठ गया आके, वो मैं अभी वो कंघा चंगा कर लाया लेकर आया। अच्छा जाओ लेनता बेटा, वो कंघा वो गया पड़ा है, वो देखो नहीं उधर से जाके ना मुनीस उठा के अपने मम्मा को दो, ताकि फिर लिंता बेटे के बाल वगैरह बनाए, उसके बाद फिर तैयारी करके फिर जाने जी शॉप। क्या देख रहे हो? स्पीकर देख रहा हूँ। अच्छा सही, पंखा चला दो सना बेटे। आप तैयारी वगैरह कर ली है, कपड़े वगैरह अपनी बच्ची के बांध लिए है, तो अब जी सुचिया सिस्टर कहती मैं खुद छोड़ के आती हूँ। चलो जी बिलाल भी जा रहा है, चलो हाँ ना, इसने क्या तंग करना है, बड़ा सारा हो गया बंटी, पप्पो घर जा रहा ना फिर। अच्छा अच्छा अच्छा, चाचा यू यानी कि झंडिया भी दुकान है ना माशाल्लाह उनकी, अपनी परचून की दुकान है। सही, किधर गए लिन? हाँ छुट्टियाँ पाने गई है। आ रहे हैं, आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, नहीं बिलाल मुहित ना करो बेटे, ना करो नहीं नहीं करो, बुरी बात होती है, तंग नहीं करते। आज 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 चलो जी, चलो जी आते रहना ठीक है, अल्लाह हाफिज़। जाओ मम्मा के साथ जाओ, चलो जी शाबाश, अच्छी तरह खूब पढ़ाई दिल लगा के पढ़ना। सही, टेंशन लो, घर का ख्याल ही ख्याल है, गाय भी बड़ी उदास हो रही है भाई, अलिंता बेटी जाने लग रही है। ये चादर ऊपर करो रिक्वेस्ट। हाँ अल्लाह हाफिज़, बाजी को और भाई को मेरा सलाम देना। चलो जी तो अलहमदिल्ला शाम का टाइम हो चुका है, तो मैंने कहा यहाँ पे रास्ते की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि रिक्वेस्ट चली गई अपनी बेटी को छोड़ने के लिए, अल्लाह खैर करे शाम तक इंशाल्लाह आ जाएगी, क्योंकि अभी ना चार का टाइम है, अभी असर के जाने भी नहीं है, तो मैंने कहा यहाँ पे जो मैं अपना रेसिपी की तैयारी कर लेती हूँ। और मोहम्मद इनाम भी माशाल्लाह आराम से बैठा हुआ है, अभी झोले में लटा हुआ था तो भाई निकल के आ गया। नहीं नहीं मिर्चा नहीं, मिर्चा नहीं, मिर्चा नहीं, आई हो जाएगी, आई हो जाएगी, हाँ आई हो जाएगी। अभी सब्जी बनाऊँगी ना, सलाद बनाऊँगी ना, फिर उसमें हाँ जी ये प्याज भी काटूँगी, सारा कुछ काटूँगी, सारा ये सारे प्याज काटो और छील रहा ना इनाम, बुरी बात ना बेटे, ना 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 मेरे बेटा ना, बुरी बात होती है ना, जिधर रख दो, नहीं मैं खुद ही काम कर लूँगी, मेहरबानी आपकी। जाओ आपको वो बी आप ही बुला रही हूँ, चीजी लेके आई, वो देखो चीजी, वो देखो चीजी लेके आइए, ओ जा लेके जाओ। हरी मिर्चें धोती हूँ और लहसुन अंदर छीलती हूँ, उसके बाद अपना शाम की रेसिपी की तैयारी करती हूँ जाके। और चने रखने हैं मैंने कुकर में, तो वो कुकर में पहले चने रख देती हूँ, फिर उसके बाद अपना जैसे ही चने तैयार हो जाएंगे अपना सालन वगैरह बनाना स्टार्ट कर लूँगी मैं। लहसुन अदरक भी मैंने छील दिया और प्याज भी मैंने काट दिया और मंडी में मैंने वहाँ पर रख दिया, आग भी मैंने माशाल्लाह जला दिया, तो मंडी मैंने कहीं साइड पर कर देती हूँ, क्योंकि चूल्हे में आपको पता है शाम तक ना 5 बजे तक 6 बजे तक ना धूप रहती है, तो बस चूल्हा मैंने इधर उठा के रख लिया, मैंने कहा अपना आराम से अपना सालन वगैरह अपना बना लूँगी मैं। मंडी भी इतनी भारी है ना, उठती हूँ बहुत गर्मी लगी है, चलो अभी धूप शाम की तरफ पड़ गई है, और आज भी थोड़ी सी मैंने ज़रा तेज़ हो जाए उसको उठा के लाती हूँ, और चने धोती हूँ, चने मैंने पहले से कूड़े में जाके रख दिए, और बर्तन भी मैंने वहाँ इकट्ठे करे हुए, अभी थोड़ी देर में बर्तन इकट्ठे करके धोती हूँ, पहले मैंने उबालने में काफ़ी टाइम लगता है। कुकर मैंने कहा पहले अच्छी तरह धो लेती हूँ ताकि मट्टी वगैरह ना हो, और अभी ठहर के भी ये बर्तन वगैरह मैंने पहले इकट्ठे करवा दिए। नाम भी माशाल्लाह चलता फिर है, चने तो मैंने वैसे दोपहर को दे दिए थे, मीठा खोटा पड़ा अगर दिल करेगा डाल दूंगी, नहीं तो फिर ऐसे कुकर में हो जाएंगे, मक्खी ने भी बहुत तंग कराया। चलो जी नहीं 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 बोली बात, कच्चे हैं बट्टे, कच्चे हैं ये नहीं आपके खाने के काबिल नहीं है, हाँ ये कच्चे हैं, ये कच्चे हैं नहीं बेटे नहीं बोली बात, हाँ जी कच्चे हैं ये, बिस्मिल्लाह। चने माशाल्लाह आधा किलो थे, माशाल्लाह काफ़ी सारे पक्के करी,
अल्हम्दुलिल्लाह से चने भी अच्छी तरह मुझे लग रहा तकरीबन तैयार हो चुके होंगे, क्योंकि काफी देर के मैंने रखे हुए थे तो हो गए होंगे। अब ना सीटी हटा देती हूँ। चलो जी, और यहाँ पे मैंने मसाला वगैरह बिल्कुल रेडी करके रख दिया। अब जी अपना रेसिपी की तैयारी करते हैं। प्याज भी काट दिए, हरी मिर्ची भी काट दिए, टमाटर भी हैं और साथ में दही भी है, वो मैंने उठा के साइड पे रखी हुई है। और यहाँ पे लहसुन का पेस्ट भी बना के रख दिया। चिकन मंगाया, मैंने कहा चलो ये है ना जायका हो जाएगा, इसमें ना चिकन ना गर्मी इतना दिमाग खराब हो रहा है और बादल भी आने लगे। देखो अब ये किधर बरसता है किधर नहीं बरसता, देखते अल्लाह पाक की जहाँ पे रहमत होगी वहीं बरस जाएगा। हवा भी चल रही है, वैसे गर्मी भी है, ये है इतनी जैसे पहले गर्मी थी ना वैसे गर्मी नहीं है, काफ़ी यानी कि ना भी मौसम में काफ़ी चेंजिंग हो गई है। यही गर्मी ना यही गर्मी का चिड़िया देखो कैसे गूंज रही हैं। क्या चीज़ है चिल्ले, ये बारिश की निशानी है, बारिश की अंधेरी की निशानी होती है। जब ये इस तरह की ना चिल्ले वगैरह इकट्ठी होती है ना तो ये चीज़ की निशानी होती है। तो लकड़ियाँ वगैरह मैं आगे कर लेती हूँ और खोल के देखती हूँ क्या 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 देखती हूँ। चने गले हैं यानी गल तो परेशान हो रही थी, मैंने कहा शायद नहीं गलेंगे, नहीं गल गया माशाल्लाह। देखती हूँ भाई इसको तोड़ के देखते रखते हैं। वाह ज़बरदस्त, ऐसे अब्बू जी ना जब होते थे ना तो अब्बू जी ऐसे बनाते थे तो मुझे कहते थे ससुरा बेटे कुकर में बाल के धो, मैंने कहा अब्बू जी मेरा काम भी अब्बू जी करो। आज फिर वही अब्बू की भाई याद आ गया, मैंने कहा अब्बू जी उठा रहे सुबह। अलहमदिल्ला से प्याज ही मैंने ब्राउन कर दिए थे। प्याज ब्राउन करने के बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया और टमाटर और हरी मिर्चें वो भी डाल दी हैं। और यहाँ पे मैंने चिकन भी बस थोड़ा सा, मैंने कहा था मैंने आपको जायके के लिए मैंने मंगाया है, और ये भी मैंने हल्का हल्का सा ब्राउन करके रख दिया। अब जी इसके अंदर डालती हूँ खुशक मसाले, नमक, हल्दी और गर्म मसाला, और ये दादर मिर्चें हैं और साथ में हल्दी भी साथ ही है, जिसमें हल्दी डाल दी है मैंने, धनिया डाल दिया और थोड़ा सा गरम मसाला हो गया। और ये मिर्चा तो फिर आपको पता है, फिर माशाल्लाह फिर हमारी मिर्चें कितनी खाते हैं दो, ठीक है जी। और साथ ही मैं डाल देती हूँ यहाँ पे ये नमक, आधा चम्मच नमक का। चलो जी ये जी मैंने मसाले इसमें डाल दिया। अब अच्छी तरह इसकी मसालों की अच्छी तरह भुनाई वगैरह करती हूँ, फिर जिसके बाद मैंने डालने हैं चने। मसाले की मैंने अच्छी तरह बनाई वगैरह कर लिया और चिकन मैंने बीच में डाल दिया, तो अब जी बिस्मिल्लाह करके डालती हूँ मैं चने। माशाल्लाह जी चने भी काफ़ी सारे उबल गए हैं माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखो आज सालन कैसा बनता है। उम्मीद काफ़ी है सालन अच्छा बन जाएगा, क्योंकि ये मैं चने गोश्त पहली दफ़ा बनाने लग रही हूँ। डाल दें इसके अंदर अब चने की और चिकन की अच्छी तरह भुनाई वगैरह कर लेती हूँ। उसके बाद फिर ये इसके अंदर मैंने पानी डाल देना है, उतना पानी डालूंगी ताकि ये दो टाइम हो जाएगा सलन के साथ डाल देती हूँ। और बाद भी देख सकते इधर चाँद लग रहा है, अब देखो ये चौकादम बरस रहा है या नहीं बरस, मुझे तो उम्मीद है चौकादम लाजमी बारिश हो रहेगी, क्योंकि जब चौकादम बारिश होती है तो इधर हवा बिल्कुल रुक जाती है, वहाँ से होके फिर इधर लही हमें आके बरसता है। अब ये कॉल आएगी आमना सिस्टर की या राबिया सिस्टर की, वो बताएंगे भाई बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। वैसे अभी ना पूछती हूँ मैं उनसे, वहाँ का मौसम बताओ कैसा हो रहा है। अपनी जल्दी से खाना बना देती हूँ, कोई पता नहीं बारिश का, बारिश भी इधर भी हो सकता है। आटा वगैरह गूंध दिया मैंने साड़े पर रख दिया, जिस तरह ही सालन तैयार हो जाएगा उसके बाद मैंने ना फटाफट रोटी बना लेंगे। देख सकते हैं कितना घना घना बादल आ रहा है, और बादल बोलने की आपको आवाज़ भी आ रही होगी, और चिड़िया माशाल्लाह काफ़ी सारी इकट्ठी हुई हुई हैं, और मैंने चनों में पानी भी डाल दिया। जैसे ही शोरबा बन जाता है उसके बाद मैंने फटाफट रोटी बना ली। इधर यहाँ पे वो लगी हुई थी
तिल लगे हुए थे, छोटे छोटे तिल थे, मगर तिल में ना मुझे लग रहा नहीं हुआ तो उन्होंने दोबारा यानी कि हल मरवा दिया, जगह सारी एक जैसी प्लेम प्लेम कर दी है बिल्कुल। और माशाल्लाह से देखो अल्लाह पाक किधर रहमत की बारिश देता है और किधर नहीं देता। अल्हम्दुलिल्लाह सालन भी तैयार हो चुका है और मैंने वहाँ पे चूल्हे पर रखा हुआ है, तो अभी थोड़ी देर मैंने इधर ले आऊँगी क्योंकि बादल बोलने लगा रहा, काफ़ी ज़बरदस्त बोलने लगा रहा बादल, यह ना कभी बारिश आ रही, इसलिए मैंने फटाफट पहले रोटी बना ली। मैंने कहा रोटी बना के ना सैर पर लेते, फिर टेंशन नहीं होती, तो जब दिल करेगा फिर खा लेंगे बस। चलो जी सालन भी तैयार हो गया और रोटी भी माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। आप जाके भी आटे के भी हाथ धोने, वो जाके धोती हूँ जाके, और परात भी हो रह रही है वो भी जाके धोती हूँ, और हाथ हाथ में मेरी रोटियाँ ढक के रख दी हैं। और जी अपने प्यारे बहन भाई को बाहर का नज़ारा मौसम दिखाते हैं, चलती हूँ पहले हाथ धोती हूँ फिर अपने प्यारे बहन भाई को बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। काला शाह बादल इस साइड से आने लग रहे और हवा भी चल चुकी है, और चीलें देखो साइड ऊपर से कैसे इकट्ठी होकर ऐसे उठती हुई आ रही हैं, जैसे जैसे हवा चलने लग रही वैसे ही चीलें भी हवा के साथ ऐसे साथ ही आने लग रही हैं। और माशाल्लाह जी अल्लाह अल्लाह लग चुका है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा मौसम, ठंडा मौसम हो चुका है, और अभी हवा चल रही है मगर पसीना फिर भी नहीं रुक रहा है, इतना ही नहीं और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और मुनी बेटे आप जाओ, ये ना चूज़े को सारा को बंद करो, ये ना अंधेरी में चूज़े भी कहीं